हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। टुडे टॉपिक इज स्पेशली रिलेटेड टू टेट एग्जाम। टुडे आई विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टेट एग्जाम ऑफ 2017। आज का टॉपिक टेट के कैंडिडेट्स, टेट के एग्जामिनीज, टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। अंग्रेजी भाषा के जो 30 क्वेश्चंस टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन इस टॉपिक के माध्यम से बताया जा रहा है। स्पेशली 2017 में आए हुए टेट परीक्षा के क्वेश्चंस हैं, उन्हें किस तरह से आप हल करोगे, उनका सॉल्यूशन क्या है, उनका सुटेबल ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यह आपको विद एक्सप्लेन बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आए, और आगे यदि आप टेट की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें हल करने में कठिनाई नहीं महसूस करो। लेकिन ये नहीं है कि केवल एक ये 2017 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप जान जाएं तो सब कुछ जानेंगे। इसी तरह से और जितने भी टीचिंग प्रोवाइड किए जाएं टेट परीक्षा से संबंधित, उसे भी आप देखें, उससे भी सीख लें तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में स्ट्रांग होंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि 2017 के टेट एग्जाम प्राइमरी लेवल का जो टेट एग्जाम था उसमें ये सभी क्वेश्चन आए थे, उनका सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, पेयर अटेंशन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। कुछ लोग जो होते हैं परीक्षार्थी वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो आंसर कैसे देंगे। तो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझाते जा रहा हूं, कहना हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कारण निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इज प्लूरल, बहुवचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुवचन है। लिखा डॉग, फॉक्स, गोट, माइस। जैसा कि ये बहुत साधारण, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्लूरल बनाने के लिए किसी भी नाउन में यस जब आप बढ़ा देते हो, ई एस बढ़ाते हो कहीं, अथवा कहीं ई एन बढ़ाते हो, तो वह प्लूरल का स्वरूप लेता है। जैसा कि डॉग है तो डॉग्स होना चाहिए, फॉक्स फॉक्सेज होना चाहिए, गोट गोट्स होना चाहिए। इसी तरह कुछ अन्य शब्द हैं जिसमें ई एन बढ़ता है, जैसे ऑक्सन। कुछ ऐसे शब्द हैं जो वो प्लूरल में होते ही हैं, जैसे सीप। तो इन चारों ऑप्शन कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्लूरल, यहाँ पर एक ऑप्शन है माइस, M-I-C-E, ये माउस का प्लूरल है, माउस में चूहा, वो माउसेज नहीं लिखा जाता बल्कि उसका प्लूरल माइस होता है, तो ये ऑप्शन सही है डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। निम्नलिखित में से कौन ऐसा शब्द है जो सिंगुलर माना जाता है, जैसे डॉग्स, मैथमेटिक्स, कैट्स, कॉट्स। ये भी इजी, जैसा कि यहां सिंगुलर पूछ रहा, सिंगुलर क्या मतलब एक वचन, तो डॉग्स कुत्ते वो तो प्लूरल है ऑलरेडी, इसी तरह कैट्स ये भी ऑलरेडी प्लूरल है,
कोर्स ये भी प्लूरल है। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट का नाम है वह हमेशा एक वचन में ही आता, उसे मैथमेटिक्स कहते हैं, भले ही यहां एस बढ़ा हुआ, उससे मतलब नहीं कि प्लूरल, क्योंकि किसी सब्जेक्ट का नाम प्लूरल नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन बी सही है, मैथमेटिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्टिव, एक्टिव का मतलब एक्टिव वॉइस। कारण निम्नलिखित में से कौन ऐसा वाक्य है जो एक्टिव में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो कहा निम्नलिखित में से कौन ऐसा वाक्य है जो एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के वाक्यों में अंतर क्या है, एक्टिव के वाक्य कैसे होते हैं, पैसिव के वाक्य कैसे होते हैं, यह आपको जानना होगा, तभी आप एक्टिव और पैसिव का चुनाव कर सकते हैं। तो मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे के माध्यम से आप पैसिव वॉइस की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल में इसके पहले कम से कम 5 वीडियोस अपलोड हो गए हैं जो एक्टिव टू पैसिव से संबंधित हैं, एक्टिव टू पैसिव के एक्सेप्शंस हैं कुछ उसमें, और परीक्षा से संबंधित तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको लिए हेल्पफुल होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि क्वेश्चन आया उसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक्टिव, एक्टिव में कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता ही एक्टिव होता, कर्ता में कार्य करने वाला सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट ही सक्रिय होता, और पैसिव वॉइस का अगर वाक्य है तो उसमें सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट सक्रिय होता, और एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता तब क्रिया तब कर्म, और पैसिव वॉइस के वाक्यों में कर्म को प्रमुखता दी जाती है, उसका हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म पाया जाता है, और वाक्य में बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है। कुछ वाक्यों में बाय प्लस सब्जेक्ट न हो तब भी पैसिव का स्वरूप यदि वह है तो उसे पैसिव ही माना जाएगा। जैसा कि वाक्य के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे फर्स्ट लिखा है ही वाज आस्क्ड, तो खासकर इज आर एम वाज वर ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट और पास्ट से संबंधित हैं, यदि उनके बाद तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो निश्चित रूप से वह वाक्य पैसिव में, नहीं तो यदि एक्टिव में है तो इज आर एम वाज वर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, अर्थात जब वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म सब मौजूद हो, और यदि उस वाक्य में इज आर एम वाज वर का यूज किया गया हो तो इज आर एम वाज वर के तुरंत बाद केवल वर्ब में आईएनजी हो तभी वह एक्टिव, और यदि वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद इज आर एम वाज वर हो और उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वह पैसिव माने। तो आपको यह क्लियरली बता दिया गया कि एक्टिव का पहचान इज आर एम वाज वर के माध्यम से कैसे आप करेंगे, इसका मतलब पैसिव है क्योंकि वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह ही वाज हिट बैडली, यह ऑप्शन जो है इसमें भी वाज के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म नहीं है क्रिया, इसका मतलब थर्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि सेकंड तो वाज के साथ रहेगा ना, तो थर्ड है इसका मतलब ये भी नहीं। फिर नेक्स्ट है आई रिक्वेस्टेड हिम, अब यहां पर आप देखें आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, टू कम आने का इन टाइम समय से, मैं उससे समय से आने का रिक्वेस्ट, यहां पर आई कर्ता के रूप में एक्टिव, यहां पर पैसिव का कोई भी गुण नहीं दिखाई दे रहा,
वैसे भी यदि वाक्य होता तो कोई ना कोई यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखा होता निश्चित रूप से, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, चाहे जा रहा है मुआजवर होता तो इसे थर्ड फॉर्म माना जाता। यदि विल सैल होता तो विल भी सैल भी उसके साथ होता, और अन्य मॉडल ऑक्सिलरीज होते तो उसके साथ भी बी लगा होता, कैन भी शुड भी आदि आदि। हैज हैव हैड होता तो हैज हैव हैड के साथ बीन लगा होता, तो उस स्थिति में वाक्य पैसिव माना जाता। लेकिन डायरेक्ट कर्ता के तुरंत बाद अगर वर्ब रखा हुआ बिना सहायक क्रिया के, वो भी सेकंड फॉर्म तो, या फर्स्ट फॉर्म में हो तब भी, फर्स्ट हो तो प्रेजेंट और सेकंड हो तो पास्ट, और थर्ड में रहेगा यानी थर्ड में रहेगा तो सहायक क्रिया कोई रहेगी, तो निश्चित रूप से यह वाक सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, मुख्य क्रिया जो सेकंड फॉर्म में है, निश्चित रूप से यही वाक एक्टिव। तो ये ऑप्शन सही है सी। डी ऑप्शन भी देख लें, अ हाउस वाज बॉट, यहाँ भी वाज के उपरांत वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऐसे बाय तो नहीं है, लेकिन पूरा वाक लिखा बॉट फॉर फाइव लाइक्स पैसे वाइज। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड अर्थात ए और बी और डी पैसिव में है, और केवल सी ही इसमें एक्टिव। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव वॉइस, कौन ऐसा वाक्य है जो पैसिव वॉइस में, आपको इसके पहले बताया गया कि पैसिव वॉइस में आपको इज आ रहा है वाज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलना चाहिए, और कुछ वाक्यों में बाई प्लस सब्जेक्ट भी लास्ट में मिलना चाहिए, हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड मिलना चाहिए, कैन कुड सैल शुड विल वुड के साथ बी का प्रयोग हो और थर्ड फॉर्म ऐसा होना चाहिए आदि, तो वह पैसिव माना जाता है। और एक्टिव का आपको बताया कर्ता क्रिया कर्म, टेंस से संबंधित होगा तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उसकी क्रिया और कर्म। अब यहाँ देखें किस तरह से आप जानेंगे कि वाक पैसिव है, यहाँ लिखा प्लीज माइंड योर बिजनेस, कृपया अपने कार्य पर ध्यान दें, यहाँ पर पैसिव नहीं, क्योंकि पैसिव का वाक प्लीज से शुरू ही नहीं होता, उसमें लिखा होता यू आर रिक्वेस्टेड, पैसिव का होता तो लिखा होता यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता, तो प्लीज से काइंडली से यदि वाक की शुरुआत होती है तो वो ऑलरेडी एक्टिव है, तो ये एक्टिव है तो इससे कोई मतलब नहीं। आगे दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच, दे के तुरंत बाद कर्ता के तुरंत बाद वर्ब सेकंड फॉर्म में है, अभी आपको समझाया गया, ये भी पैसिव में नहीं है बल्कि एक्टिव, कर्ता के बाद तुरंत क्रिया उसके बाद कर्म। उसका सी है आई केप्ट क्वाइट, यहाँ भी कर्ता के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं, पैसिव का कोई पहचान नहीं, ये भी पैसिव नहीं। आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, मैं पूरी मीटिंग के दौरान शांत रहा। अब डी ऑप्शन बचा जिसमें लिखा ही वाज असिस्टेड, वाज के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसकी सहायता की गई, ही वाज असिस्टेड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के समूह के द्वारा, यहाँ विद्यार्थियों का समूह जो एक्शन कर रहा कार्य कर रहा है वो एक्टिव नहीं, उसे लास्ट में लिखा गया, बाय के माध्यम से इसे लिखा गया, सब्जेक्ट को वहाँ किया गया, तो इसका मतलब यही पैसिव है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। एक्टिव टू पैसिव के जितने भी रूल्स हैं उसे आपको बताया गया, यदि आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर ना होगा तो उन वीडियोस को आप वॉच करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, दैट इज द माइंड, एक सेंटेंस लिखा है दैट इज द माइंड द पुलिस वॉच सीकिंग, अर्थात वह आदमी वही है जिसकी पुलिस तलाश कर रही, लेकिन उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा उससे मतलब रखे। लिखा इन द एबव सेंटेंस, इस उपरोक्त वाक्य में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द, जो दो द लिखे हैं, एक द यहाँ है
और एक द यहाँ, इन दोनों द यहाँ द टू, टू माने दोनों, द द का, दोनों द का स्टेटस क्या, स्थित क्या है, अर्थात किस रूप में है। अब उनके रूप का यहाँ ऑप्शन के रूप में नाम लिखो, कह रहा वर्ब है वो, तो आप जानते हैं वर्ब नहीं, वर्ब में क्रिया होता, तो द कोई क्रिया तो है नहीं। नाउन क्या वो संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा का, तो संज्ञा तो है नहीं। तो कंजंक्शन संयोजन जोड़ने वाला सब, जैसे एंड बट आर, तो वो तो है नहीं। इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन नहीं करें। अब यह है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, जैसा कि आर्टिकल आप पढ़े होंगे तो देयर आर टू आर्टिकल, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, ए और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल और द डेफिनिट आर्टिकल। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, सही है। तो द को आप डेफिनिट आर्टिकल के रूप में जानेंगे और ए और एन वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। इस तरह से इन सभी का उत्तर आपको बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के पहले मैं चाहूंगा कि एक्टिव और पैसिव के संदर्भ में जो चीज अभी बताई गई कि सब्जेक्ट के उपरांत यदि इज आर एम वाज वर हो और वर्ब में आई एन जी हो तो वह एक्टिव माना जाए, लेकिन पैसिव में भी यह स्थित आ सकती है। कैसे, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अथवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों का पैसिव बनाते हैं तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, बी ई आई एन जी, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखते हैं। तो कुछ लोग भ्रमित न हो जाएं कि सर ने बताया था कि इज आर एम वाज वर्ब के बाद अगर आई एन जी फॉर्म मिलेगा तो एक्टिव का वाक्य, नहीं, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, यानी बीइंग अलग और वर्ब जो उस वाक्य का मुख्य क्रिया होगा उसका थर्ड फॉर्म यदि है तो पैसिव का वाक्य माना जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सिक्स, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडिएंट, एक सेंटेंस है, इसी सेंटेंस पर आधारित क्वेश्चन नीचे पूछा गया है। कहा ये विद्यार्थी डिसओबीडिएंट, मोस्ट डिसओबीडिएंट, मोस्ट का मतलब बहुत अधिक, सबसे अधिक, अवज्ञाकारी, आज्ञा न मानने वाले, ऐसे पूछ क्या रहा। इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स, कहा है उपरोक्त वाक्य में आप स्टूडेंट शब्द का जेंडर बताइए, जेंडर मीन्स लिंग, किस लिंग में, पुरुष लिंग है कि स्त्री लिंग है, नपुंसक लिंग है, वह लिंग है, जो भी, तो कौन सा लिंग स्टूडेंट्स। तो एज यू नो कि स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी होती, बॉयज भी होते, ट्रांसजेंडर भी कोई हो सकता है, नपुंसक स्टूडेंट कोई भी बन सकता, तो इसका मतलब पुरुष लिंग भी नहीं माना जा सकता, स्त्रीलिंग भी नहीं माना सकता, तो है क्या। यहाँ पर ऑप्शन देखें, फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। फिर कॉमन जेंडर, उभय लिंग, अर्थात कॉमन में दोनों आते हैं, यानी सभी, चाहे जो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक, जो भी, ट्रांसजेंडर भी हो सकता, फेमिनिन भी हो सकता, मास्कुलिन भी हो सकता, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, कोई भी हो सकता कॉमन। तो स्टूडेंट्स भी ऐसा वर्ड है, ऐसा एक ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग रहते हैं, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री सब, ये कॉमन जेंडर सही, अर्थात ऑप्शन बी सही। सी दिया मास्कुलिन जेंडर था पुरुष लिंग, तो पुरुष लिंग स्टूडेंट्स केवल पुरुष लिंग में नहीं होता, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं, एक ऑप्शन है, तो इसमें से है एक, यही ऑप्शन सही है, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस ही वाज गोइंग अलोंग द रोड, ये एक सेंटेंस लिखा, ही वाज गोइंग अलोंग द रोड, इस सेंटेंस में पॉइंट आउट द टेंस, किस टेंस का ये वाक्य, पूछ रहा है कि ये वाक्य जो लिखा है वो किस टेंस का,
इसमें ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पर आप देखें वाज है तो निश्चित रूप से वह पास्ट है, तो क्लियर हो गया कि वाज है तो पास्ट। उसके आगे बढ़े, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो आपको मान लो मैं कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस का होता, तो वाज से आप पहचान गए पास्ट, आईएनजी से पहचान गए कंटीन्यूअस, तो इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस सुटेबल माना जाएगा, ऑप्शन में जहां है वही सही है। तो यहाँ है ऑप्शन सी पास्ट कंटीन्यूअस, ये सही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, भाषा का ज्ञान, भाषा के ज्ञान, भाषा के सीख, भाषा की शिक्षा की शुरुआत होती है। लैंग्वेज में भाषा लर्निंग माने ज्ञान, सीख, शिक्षा, स्टार्ट्स में प्रारंभ होती है, प्रारंभ से ये भाषा सीखने की शुरुआत होती है, कहां से होती है ये पूछ रहा है ऑप्शंस के माध्यम से। पहला दिया ऑप्शन राइटिंग, लेखन से, लिखने से, दूसरा दिया रीडिंग, पढ़ने से, तीसरा दिया लिसनिंग, सुनने से, और लास्ट ऑप्शन दिया स्पीकिंग, बोलने से। जैसा कि बच्चों के दृष्टिकोण से आपने जब छोटा बच्चा होता है तो भाषा कैसे सीखे, हम जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा को कैसे सीखे, किस माध्यम से वह पहले सीखना प्रारंभ करता है, तो सीखना प्रारंभ न तो वो लिख पाता है न तो पढ़ पाता है, केवल सुनता है और स्पीकिंग तो बाद में करता है, पहले बोल भी नहीं पाता जब छोटा होता। तो लिसनिंग से अर्थात सुनने से ही भाषा के ज्ञान की शुरुआत होती है, भाषा के सीखने की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन सी लिसनिंग, सुनने से भाषा के सीखने की शुरुआत, भाषा शिक्षा की शुरुआत, भाषा के ज्ञान की शुरुआत लिसनिंग से होती है अर्थात सुनने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस, मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। आप पोएट्री रेसिटेशन, पद के सस्वर पाठ का, रेसिटेशन मीन सस्वर पाठ करना था, गाना, पद को गाना, कविता गाना, रेसिटेशन बोला जाता है, पोएट्री मीन्स पद। कह रहा व्हाट इज द मेन पर्पज, मेन पर्पज मीन्स मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य। आप पोएट्री रेसिटेशन, पद के सस्वर पाठ का क्या मुख्य लक्ष्य। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा कक्षा में, भाषा की कक्षा हो, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उर्दू भाषा, जो भी संस्कृत भाषा, उसकी कक्षा चल रही है, उसमें टीचर विद्यार्थियों को पोएट्री रेसिटेशन करा रहे हैं अर्थात कविता गवा रहे हैं, और अर्थात किसी पद्य को वो सस्वर पढ़ने को कह रहे हैं। तो पूछ रहा है उसका मुख्य लक्ष्य क्या, मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा बच्चों से कराएंगे। तो देयर आर फोर ऑप्शंस, पहला टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने के लिए, यानी कविता कोई पढ़ता है, गीत गाता है, तो क्या उसमें यह उद्देश्य होता है कि ऐतिहासिक कोई पृष्ठभूमि हम जाने, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स कविता गाते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम जानकारी लें उसमें, नहीं, यह ऑप्शन गलत है। दूसरा टू एंजॉय एंड एप्रिसिएट, आनंद लेना, एप्रिसिएट रसास्वादन करना, सराहना करना, द पोएम पोएम, यानी कविता का आनंद लेना, रसास्वादन करना अथवा सराहना करना, यह है ऑप्शन। जैसा कि अब इसके बाद वाले ऑप्शन को देख लेंगे तब निर्णय लेंगे ये सही है कर। वैसे सही है लेकिन आपका काम है सभी ऑप्शन पहले देख लें तभी आप निर्णय लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सी है टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोएम, कविता के बारे में उनके विचारों को देना, अर्थात कविता के बारे में अपने विचारों को देना, क्या लक्ष्य है, नहीं, कविता के बारे में विचार प्रकट करना कोई उद्देश्य नहीं होता गाने का, बच्चों से गवाया जा रहा है, कविता रटाया जा रहा है, वो सस्वर पाठ कर रहे हैं क्लास में,
तो उसका कोई ये लक्ष्य नहीं है कि उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनको जानकारी हो अथवा विचारों का प्रकटीकरण किया जाए। लास्ट टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज वर्क। हाँ, हर वर्क पोएटस रहेगा, यानी कवि के बारे में और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। टू बिकम अवेयर माने जानकारी प्राप्त करना, जागरूक होना ऑफ द पोएट और हिज वर्क, कवि के बारे में अथवा उसके काम के बारे में। ये भी कोई उद्देश्य नहीं होता है, बच्चों से जो कविता गवाई जाती है ये लक्ष्य नहीं होता है कि वह कवि अथवा कवि के कार्यों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं या बड़े होते हैं जूनियर स्तर के, जो प्राइमरी स्तर के या हाई स्कूल स्तर के, तो उनसे जो कविता गवाई जाती है टीचर के द्वारा उसमें उन्हें आनंद देने की का उद्देश्य छिपा होता है कि वो उसमें रस लें, रसास्वादन करें। तो ऑप्शन जो एप्रिसिएट वाला बी ऑप्शन, टू एंजॉय एंड एप्रिसिएट द पोएम, पोएम का आनंद लेना, उसकी सराहना करना, रसास्वादन करना, यही स्टूडेंट्स का लक्ष्य। टीचर चाहता है कि स्टूडेंट्स इसी तरह से कुछ मनोरंजन करें और उसे कविता अथवा कोई गीत सहस्वर व पाठ करें जिससे वह आनंदित हो, खुश रहे। ऐसा कोई उस समय लक्ष्य नहीं होता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाना जाए, कविता के बारे में कवि के विचारों को जाना जाए अथवा उनके विचारों को जाना जाए अथवा कवि अथवा उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। जब उसकी व्याख्या की जाती है तब वो बताया जाता है। गाने में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य केवल आनंद प्राप्त करना, रसास्वादन करना अथवा उस कविता की सराहना हम कर रहे हैं गाकर। तो हो गया ऑप्शन बी, टू एंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोएम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों की पूर्ति करो विद करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल से सही आर्टिकल। आर्टिकल आपको बताया गया ए एंड और द, डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल आई और एन। सेंटेंस है यस्टरडे आई सा, कल मैंने देखा, यहाँ पर ब्लैंक खाली स्थान है यूरोपियन, कल मैंने यूरोपियन को देखा, यूरोपियन में यूरोप का रहने वाला कोई व्यक्ति। राइडिंग जो सवार था, आन पर एलिफेंट हाथी, जो हाथी पर सवार था। अब आपको यहाँ आर्टिकल ए एन अथवा द भरना है, कौन सा उचित होगा दोनों ब्लैंक्स में, तो आप ध्यान दें। यस्टरडे आई सॉ, कल मैंने देखा, यहाँ यूरोपियन एक व्यक्ति है, नाउन है, उसके पहले आप आय अथवा आयन का यूज कर सकते हैं। यूरोपियन, यूरोपियन जब आप हिंदी में लिखते हो तो यह आता, यह क्या है हिंदी का व्यंजन। तो आर्टिकल की जानकारी में, जैसा कि हमारे चैनल में भी आर्टिकल के 3 वीडियोस अपलोड किए गए और एक बाद में भी टेट से ही संबंधित आर्टिकल के क्वेश्चन वाला एक वीडियो अपलोड किया गया, तो कुल मिला के 4 वीडियोज, तो 4 वीडियोज हैं आर्टिकल से संबंधित। अगर आर्टिकल की जानकारी जिन्हें न होगी वो कंपिटेटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर संक्षिप्त में बताया जा रहा, जब किसी शब्द को आप देखें उसका उच्चारण करें, उसका उच्चारण का मतलब उसका स्वर क्या है, तो उसका उच्चारण कैसे मालूम होगा उसे आप लिख लें। यूरोपियन जब हम लिखेंगे उसका उच्चारण करेंगे तो यह पहला अक्षर आएगा, यह हिंदी का व्यंजन। तो यदि किसी भी शब्द की शुरुआत, उसका उच्चारण, उसका स्वर, उसकी ध्वनि हिंदी के व्यंजन से हो तो आय का प्रयोग करते हैं। जैसा कि कुछ टीचर लोग बता देते हैं कि ए ई आई ओ यू से शुरुआत हो तो आयन का यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्वनि से मतलब है, उच्चारण से मतलब। ई से तो शुरुआत है लेकिन इसका जब हम ध्वनि, इसका उच्चारण जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यह आएगा हिंदी का व्यंजन।
इसलिए आय का प्रयोग किया जाएगा। और जब कोई भी शब्द हो, चाहे वो स्वर से शुरू हो अंग्रेजी के, चाहे व्यंजन से, यदि उसका उच्चारण स्वर से होता है तो हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि आनेस्ट आप लिखते हो एच ओ एन ई एस टी, तो एच से शुरुआत हुआ, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एन आनेस्ट क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आ नेस्ट बोला जाता है, आ नेस्ट, हा नेस्ट नहीं, आ नेस्ट, आ स्वर है इसलिए एन लगे। इसी का आवर घंटा एच ओ हुआ, एच से शुरू हुआ, फिर भी एन आवर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी के व्यंजन का उच्चारण यदि है तो आ, और हिंदी के स्वर का उच्चारण है तो ऐन। अंग्रेजी के स्वर अथवा व्यंजन वावेल अथवा कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं। तो हो गया स्टडी आई सा यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, किसी एक हाथी पर ही सवार होगा वो। एलिफेंट का अगर उच्चारण करेंगे तो ए उसका उच्चारण होगा, ए, तो उसका उच्चारण ए से हो, तो ए स्वर है हिंदी का। इस तरह से यहां पर आयन का यूज होगा क्योंकि स्वर से उच्चारण, उच्चारण एलिफेंट का स्वर से हुआ तो इसलिए आयन। तो होगा स्टडी आई सा यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। तो अब ऑप्शन देख लें कौन सा सही होना चाहिए, आय और आयन होना चाहिए जिसमें, वही सही है। तो इसमें दादा ये गलत, आय और आयन यही सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। इस तरह से आप आर्टिकल किसी भी ब्लैंक्स में सुटेबल आर्टिकल कैसे आप फिलअप करेंगे इसकी जानकारी आपको होगी। आज जो 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताए गए इसी में ही 30 मिनट से एबव हो, तो 30 मिनट से एबव होने का मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि ये पार्ट फर्स्ट के रूप में इसे माना जाए, पार्ट सेकंड नेक्स्ट टर्म में अपलोड किया जाएगा। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय।